साथियों, अंडमान और निकोबार के 12 आइलैंड्स में हाई इंपैक्ट प्रोजेक्ट का विस्तार किया जा रहा है। मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान तो आज हो चुका है। इसके अलावा रोड, एयर और वाटर के जरिए फिजिकल कनेक्टिविटी को भी सशक्त किया जा रहा है। नॉर्थ और मिडल अंडमान की रोड कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 2 बड़े ब्रिज और NH4 के चौड़ीकरण पर तेजी से काम हो रहा है। पोर्टब्लेयर एयरपोर्ट में एक साथ 1200 यात्रियों को हैंडल करने की कैपेसिटी आने वाले कुछ महीनों में बनकर तैयार हो जाएगी। इसके अलावा दिगलीपुर, कार्निकोबार और कैम्बेल बे में भी एयरपोर्ट ऑपरेशन के लिए तैयार हो चुके हैं। स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और लॉन्ग आइलैंड में पैसेंजर टर्मिनल, फ्लोटिंग जेटी जैसे वाटर एरोडोम इंफ्रास्ट्रक्चर भी आने वाले कुछ समय में बनकर तैयार हो जाएंगे। इसके बाद यहां उड़ान योजना के तहत सी प्लेन की सेवाएं शुरू हो जाएगी। इससे एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और आने जाने में आपका समय भी कम लगा करेगा। साथियों, आइलैंड के बीच और बाकी देश से वाटर कनेक्टिविटी की सुविधा को बढ़ाने के लिए कोची शिपयार्ड में जो 4 जहाज बनाए जा रहे हैं, उनकी डिलीवरी भी आने वाले कुछ महीनों में हो जाएगी। प्रयास ये है कि अगले 1 साल में बड़े जहाजों को रिपेयर करने की सुविधा वहीं आइलैंड में ही विकसित हो। इससे आपका समय बचेगा, खर्च कम होगा और रोजगार के अवसर भी बनेंगे। इसका बहुत बड़ा लाभ फिशरीज सेक्टर को भी होगा।